आज शपथ लेता हूँ, मैं और मेरा परिवार मेरे रिश्तेदार और रात तक मेरा हाथ मिलेगा, वहाँ तक धीरज गुजर की धीरज को वोट देंगे और दिलाएंगे, उसके साथ रहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, बोले चार मिनट की जय, बोले चार नाथ की जय। कोटड़ी से इस बात की यह बात सामने आई है कि वहां कांग्रेस के नेताओं ने चारभुजनाथ के मंदिर में अभी चयनित पंचायत सहायकों को हाथ में जल देकर संकल्प दिलाया कि वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। ज्वाइनिंग से पहले इस प्रकार से दबाव से संकल्प दिलाना लोकतंत्र, संविधान और सरकार के विरुद्ध है। ये एक तरीके से उचित मानसिकता है कि कर्मचारियों का इस तरीके के प्रधान द्वारा, प्रधानपति द्वारा और सरपंचों द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति निष्ठा रखता है और जनता के प्रति अपने कार्य की करते हुए निष्ठा रखता है। अगर इस तरीके की अगर कोई वीडियो को देखने से लग रहा है कि इस तरीके की कुछ हो, तो कर्मचारी और जो भी सम्मिलित जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके प्रति कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता पार्टी के लोग पिछले 3-3.5 साल के अंदर सिर्फ शिकायतें करने का काम ही कर रहे हैं। अब अगर कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता हमारी कार्यशैली से प्रसन्न होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते समय वो इस बात की शपथ और सौगंध ले रहे हैं, तो जब कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है, वो भी तो गीता को और भगवान को साक्षी मान के शपथ लेता है, तो ये भी अगर हमें पसंद करके, हमारी शैली को पसंद करके कांग्रेस की शपथ ले रहे हैं, तो इसके अंदर इनको दुख नहीं होना चाहिए। जब इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस के सिपाही, इसलिए हम कांग्रेस युक्त करें और हमारा अभियान, इनका अभियान कांग्रेस से मुक्त करने का, हमारा अभियान कांग्रेस से युक्त करने का है, क्योंकि ये लोगों को दुख देना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इन लोगों के पास लोगों को तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए इनकी झूठी और थोती शिकायतों का जवाब देना अपने आप को कम करना है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सेवा करनी चाहिए। आज लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना चिकित्सा मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना खाद मिल रही है, और इनका समय लोगों की सेवा करने की जगह झूठी शिकायतें करने पर जा रहा है। मेरी इनको सलाह है, भिलवाड़ा के लोगों को, नेताओं को, कि हमारी शिकायत मत करो, लोगों की